वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों. दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से काउंसलिंग की डेट थी जो कि पहले निर्धारित थी 18 जून की, उसको पोस्टपोन किया जा चुका है और अब उसको 25 जून रखा गया है. अच्छा, कई सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि भाई हम जो कॉलेज की प्रायोरिटी भरेंगे यानी जो हम सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे कॉलेजेस को, तो वो हम किस बेसिस पे करेंगे, उनकी क्या लिस्ट होनी चाहिए. तो बच्चों देखिए आज का वीडियो उसी संबंध में है, छोटा सा एक वीडियो, आप देखिएगा इसको पूरा. दरअसल इसके देखिए दो तीन चीज़ें आप ध्यान में रखिए दोस्तों. एक तो ये ध्यान रखिए कि भाई जिस कॉलेज को आप रेफ़र कर रहे हैं वो आपकी रैंक के हिसाब से वो आपको मिल सकता है या नहीं, ये पोटेंशियल सबसे पहले चेक करिए कि भाई हमारी जो रैंक है उस रैंक के हिसाब से हमें ये वाला कॉलेज मिल सकता है कि नहीं. तो जिस कॉलेज में हमें एडमिशन मिल सकता है उसको हम प्रायोरिटी में रखें ताकि हमारी फ़र्स्ट काउंसलिंग में ही नाम आ जाए और हमें सीट अलॉट हो जाए, ताकि आगे चल के कोई हमें दूसरी या तीसरी काउंसलिंग के लिए वेट ना करना पड़े. एक तो ये आधार हो. दूसरा आधार आपका ये होना चाहिए कि जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो प्रायोरिटी में, उस कॉलेज की कैसी अमेनिटीज़ हैं, वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ पे प्रोफेसर्स की एक तरीके से क्या फीडबैक है, किस तरीके से वहाँ पे क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, कितना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दी जाती है एजुकेशन की, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं दोस्तों. क्योंकि दो साल आप वहाँ पे रेगुलर कोर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आगे चल के आपको सीटेट की परीक्षा क्लियर करनी हो या उसके बाद फिर आपको जॉब के लिए तैयारी करनी हो KVS या DSSB के लिए, तो उसका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड बनाने के काम आएगा. अच्छा, उसके बाद तीसरी बात होती है दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, वो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. यानी कि आप अपने जहाँ पे भी आपका निवास है, जहाँ पे भी आपका घर है, वहाँ से आप कॉलेज में जब जाओगे डेली तो उसमें आपको कितना टाइम आने जाने में लग रहा है, कितनी ईजिली अवेलेबिलिटी है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की, आप कैसे वहाँ पर जा पा रहे हो, मेट्रो कनेक्टिविटी है, बस की कनेक्टिविटी है, या इंटीरियर में है बहुत जहाँ पर कि आपको जाने आने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करेंगी. तो आप ये दो तीन फैक्टर अपने लेवल पर ज़रूर चेक करिएगा. फिर भी इन सब के आधार पर एक जो मैंने लिस्ट तैयार की है काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद और बच्चों से बातचीत करने के बाद, जो ऑलरेडी वहाँ पर हम हमारे यहाँ से पढ़ के पहले से सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने BEd करी हुई है, CTET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या ऑलरेडी KVS वगैरह में लगे हुए हैं, DSSB में जॉब कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो अभी वहाँ पर सीनियर्स के रूप में आपके मिलेंगे आपको, उन सबसे बातचीत करने के बाद और बाकी वेबसाइट्स वगैरह सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि टोटल जो कॉलेज की लिस्ट है सारे प्रोग्राम्स के लिए, सारे कोर्सेज के लिए, वो यहाँ पर आपको दिख रही है. और इसमें से मैंने हाईलाइट कर रखा है जो कि BEd की कॉलेजेस हैं, और उसमें भी मैंने रेड पेन से नंबरिंग एक जो है प्रॉपर दे रखी है और इसको कंसीडर करके दिया है कि चाहे डेली बेस्ड कैंडिडेट्स हों, चाहे वो एक तरीके से आउटसाइड डेली कैंडिडेट्स हों, जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको दिमाग में रख के ये प्रेफरेंस दी गई है. मोस्टली सारे दूसरे क्षेत्रों में भी ये प्रेफरेंस काम आएगी. कुछ माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं सिख कम्युनिटी के या मुस्लिम कम्युनिटी के, उनके लिए अलग डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियसली दे कैन प्रेफर देयर दोज इंस्टीट्यूट ऑल्सो, वो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं अपनी रैंकिंग में, अपनी एक तरीके से प्रायोरिटीज़ में, वो एक अलग बात हो सकती है. अदर और साथ में जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि आपके घर के कितना नज़दीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पढ़ाई की फीडबैक कैसी आ रही, तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं. इस पर हम ये नहीं दावा कर सकते कि जो पहले था वही अभी होगा, तो ये थोड़ा सा डायनेमिक फैक्टर्स हैं, तो आप उसको ज़रूर चेक करिएगा और उसके आधार पे आप अपना चेंज कर सकते हैं प्रेफरेंस. ज़रूरी नहीं कि जो प्रेफरेंस मैं बता रहा हूँ वही आपको रखनी है, लेकिन हाँ एक ओवरऑल रिव्यू करने के बाद ये एक प्रेफरेंस टॉप 10 कॉलेजेस की मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों. सबसे पहले नंबर पे जैसे मैंने दिया यहाँ पे आपको, वो दिया मैंने आपको MET इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि साकेत में M ब्लॉक में है, तो इसको हम पहले नंबर पे रख सकते हैं. बाकी जो येलो में दिख रहे हैं आपको, उसके साथ BEd दिख रहा होगा और सीट का अलोकेशन दिख रहा होगा, ये 2017-18 का डेटा वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ जो सीट्स की स्थिति है, लगभग वही स्थिति अभी भी है. अच्छा, इसी के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज मिलता है सेकंड पोजीशन पे. दोस्तों सेकंड पोजीशन पे हमें दूसरे पेज पे कोई कॉलेज नहीं मिलता है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट करके है, वहाँ पे भी 100 सीट्स हैं, बट हम उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं. अच्छा, ये देखिए दिल्ली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, ये आपका एक तरीके से बिजवासन रोड नजफगढ़ में है, इसको मैंने 10 पे रखा है, खासकर आउटसाइड कैंडिडेट्स के हिसाब से. आप इसको भी रख सकते हो, अगर दिल्ली बेस्ड हो और आपके आसपास है तो आप भी रख सकते हो. नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं, तो यहाँ देखिए हमें तीसरे पोजीशन पे एक कॉलेज मिलता है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये आपका गीता रतन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग,
जो कि डी ब्लॉक सेक्टर 7 रोहिणी में है, इसकी भी काफ़ी क्रेज रहती है दोस्तों, तो आप इसको तीसरे नंबर पर रखेंगे। सेकेंड नंबर पर भी आएगा आगे आपको, उसको मैंने रखा है सूरजमल कॉलेज, जो कि आपका एक तरीके से वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, तो वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मोस्टली उसकी रैंक भी अच्छी होती है, जो सीईटी स्कोर आपका 500 के आसपास रहता है रैंक, उन बच्चों को वहाँ पर एडमिशन मिलता है लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो। इसको मैंने सेकेंड प्रेफरेंस पर रखा है एमएटी के बाद, इसको हम तीसरे पर रख सकते हैं गीता रतन इंस्टीट्यूट को। अच्छा, चौथे पे हम देखते हैं, अभी सातवें पे आप नोट करते चल सकते हैं इसी क्रम में, है ना, क्योंकि बार बार फिर पेजेस नहीं लाने पड़ेंगे आपके सामने। सेवन्थ पोजीशन पे हम यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए, गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वेस्ट ज्योति नगर, सहाद्रा दिल्ली। तो वेस्ट, ये वेस्ट ज्योति नगर सहाद्रा दिल्ली में है गुरु रामदास कॉलेज, इसकी जगह पे आप लॉरेंस को भी सेवन रख सकते हो, लगभग लगभग एक जैसे कॉलेजेस हैं दोनों, लगभग एक स्थितियाँ हैं दोस्तों, और ये डिपेंड करेगा कि आपके नियर बाई में कौन सा है और आपको वहाँ पहुँचने में कितनी सहूलियत हो रही है। तो चलिए, इसको तीन और सेवन पे आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इसके बाद इस पेज पे हमें कोई बीएड का कॉलेज नहीं दिख रहा है, ही नहीं है। इस पेज पे हम देखते हैं जो लिस्ट है पूरी, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है अभी आप जो देख रहे हैं, आगे हम देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज क्या है। एट्थ नंबर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कालका इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एडवांस स्टडी, कालका पब्लिक स्कूल कैंपस, और ये आपका पड़ता है दोस्तों अलकनंदा न्यू दिल्ली में, तो इसको भी रखा जा सकता है एट्थ पोजीशन पे, यानी कि रामदास के बाद या लॉरेंस के बाद, जैसा आप सेट करें अपनी प्रायोरिटी। इसके बाद आप देख सकते हैं नौ नंबर पे यहाँ पे हमने रखा है कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ये पड़ता है आपका मोहन गार्डन न्यू दिल्ली 59 कोड, यानी कि द्वारिका मोड़ के आसपास, तो इसको आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पे भी बीएड के अंदर 100 टोटल सीट्स हैं, तो नौ नंबर पे इसको हमने प्रेफर किया है दोस्तों। अब सेकेंड नंबर पे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट C4 जनकपुरी में जो पड़ता है वेस्ट दिल्ली, मैंने बताया था आपको 58 यहाँ का पिन कोड है, तो ये आपके लिए अच्छा कॉलेज है। अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। MIT हो गया, सूरजमल हो गया, और तीसरे पोजीशन पे हमने जो रखा वो हमने रखा गीता रतन को, और बाकी जो पोजीशन है वो आपने देखी हैं। अगले पेज पे देखते हैं क्या मिलता है हमें। अगले पेज पे देखिए कई सारे कॉलेजेस हमें मिल रहे हैं, चार कॉलेजेस मिल रहे हैं, इसमें से एक को हम रख रहे हैं, किसको, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, जो मैंने आपको बताया था कि आप चाहें इसको रख सकते हैं, और आप चाहें तो जो दिल्ली ट्रेनिंग है, दिल्ली टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको भी रख सकते हैं 10th पोजीशन पे, तो वो डिपेंड करता है उसको। हालांकि मैंने आउटसाइड कैंडिडेट्स के हिसाब से प्रेफर किया था, और दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के हिसाब से मैंने इसको प्रेफर किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पे छः नंबर पोजीशन हमें मिल रही है सेंट लॉरेंस, जो मैंने आपको कहा आप छः या सात दोनों के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नज़दीकी के हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको या रामदास को। तो लॉरेंस कॉलेज को हमने 6 पे रखा हुआ है, और ये आपका जो है फैसिलिटी सेंटर, यानी कि गीता कॉलोनी जो लक्ष्मी नगर के पास है, निर्माण विहार के पास, वहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कौन सी पोजीशन हमें मिल रही है कॉलेज की। फिफ्थ पोजीशन मिल रही है लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहिणी का, इसका भी काफ़ी अच्छा क्रेज है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है बच्चों से अगर बात करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा। तो जैसे सूरजमल के बाद अगर हम देखें तो प्राइवेट कॉलेजेस में, तो इसमें लीलावती मुंशी कॉलेज का भी अच्छा क्रेज है, इसलिए मैंने इसको 5 पोजीशन पर डाला हुआ है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या मिलता है हमें। कोई कॉलेज नहीं मिलता बीएड का, यहाँ पे भी कोई भी कॉलेज बीएड का नहीं मिलता है। अब हम गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स फॉर एकेडमिक सेशन 17-18, तो इसमें आपको बताइए कि एक इंस्टीट्यूट हमें मिलेगा बीएड के लिए, जो कि ये रहा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये पड़ता है आपका वरुण मार्ग डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली, डिफेंस कॉलोनी के पास ये पड़ेगा आपको, तो इसको भी आप फोर्थ पोजीशन पे मैंने रखा हुआ है। तो MIT फर्स्ट, सेकेंड पे सूरजमल, थर्ड पे हमने गीता रतन, और फोर्थ पे हमने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट स्कूल है उसको रखा हुआ है, और पांचवें पे हमने रखा हुआ है जो रोहिणी का स्कूल है आपका उसको, यानी कि जो हमने अभी बात करा, तो इस हिसाब से आप इसको प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जो मैंने आपको बताया उसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये टोटल कॉलेजेस की लिस्ट है। अच्छा, एक वीडियो आप सब बच्चों की डिमांड आ रही है काउंसलिंग के प्रोसीजर को लेके, फी रिफंड पॉलिसी को लेके, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हम चॉइसेस भरेंगे, और डॉक्यूमेंट्स क्या हमें पहले से रखने हैं अपने पास, ताकि हम उस चीज़ को फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना हो, ऑन द स्पॉट हमें डिसीजन लेना पड़ेगा जब हमें सीट अलॉट होगी, एडमिशन्स लेना होगा, तो इसके लिए भी एक वीडियो नेक्स्ट मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करा दूंगा थोड़ा सा समय निकाल के जल्दी से, जिसमें कि काउंसलिंग की मेन मेन जो प्रोसीजर्स हैं, कैसे आपको काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर्ड होना है ऑनलाइन के लिए, ताकि आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहिए, और साथ में जो फीस के जमा करने की एक तरीके से स्थितियाँ हैं, या फीस रिफंड की जो स्थितियाँ हैं, एडमिशन कैंसिल करने की जो स्थितियाँ हैं,
ये सारी चीज़ें, विड्रॉ कैसे कर सकता है, एडमिशन्स वगैरह, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुभकामनाएं आप लोगों को, बीएड में आपको अच्छा कॉलेज मिले, आपकी चॉइस का कॉलेज मिले और आप अच्छे से तैयारी करें अगले 2 साल। उसके बाद पुनः आपसे मुलाकात होगी सीटेट की तैयारी के दौरान, बीच में भी आप और हम जुड़े रहेंगे इस चैनल पर। सीजीएस कोचिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो देखने के लिए, और साथ साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और फिर अगले वीडियो में कम्युनिकेट करते हैं, कोई क्वेरीज हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर या तो इंडिविजुअली देंगे, अगर ज़्यादा प्रश्न होते हैं तो हम उसको वीडियो के माध्यम से आप तक एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।